राहुल ने बढ़ाई रोहित की टेंशन, खतरे में सूर्या की जगह, बुरे फंसे हिटमैन, टीम इंडिया एशिया कप खेलने जाएगी, एशिया कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे, इस बार एशिया कप भारत के लिए बड़ी उम्मीदों वाला है, इस एशिया कप से पहले रोहित शर्मा के लिए एक टेंशन बढ़ गई है, टेंशन ये है कि राहुल की वजह से रोहित शर्मा को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इस परेशानी की वजह से सूर्या की जगह खतरे में पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है, तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। फिट राहुल ओपनिंग करने को तैयार, केएल राहुल अब पूरी तरीके से फिट हैं, वो जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के कप्तान बनकर जा रहे हैं। आईपीएल के बाद से केएल राहुल ने क्रिकेट नहीं खेली है, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद अब वो सीधे जिम्बाब्वे में क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में केएल राहुल को ओपनिंग करने का जिम्बाब्वे में मौका मिलेगा, वो टीम के कप्तान है, साथ ही उनके पास 3 मैचों में ओपनिंग करने का मौका है। ऐसे में राहुल चाहेंगे कि वो अच्छा प्रदर्शन कर अपनी तैयारी पूरी करे, क्योंकि एशिया कप में वो भारत सबसे बड़े खिलाड़ियों में शुमार होंगे, जिनके ऊपर हर किसी की नजरें होगी। सूर्य कुमार की ओपनिंग भी फेर में फंसी। अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य कुमार की ओपनिंग कैसे फेर में फंस गई, क्योंकि वो तो वेस्ट इंडीज में ओपनिंग कर रहे थे, तो आगे भी वही ओपनिंग करेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने मिडिल ऑर्डर में जमकर रन बनाए हैं, लेकिन ओपनिंग करते हुए भी उन्होंने कई दमदार पारियां खेली। आईसीसी T20 रैंकिंग में सूर्या दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। सूर्या का ये प्रदर्शन बताता है कि वो कितने शानदार बल्लेबाज हैं और T20 में भारत को उनको काफी जरूरत है। लेकिन सूर्य कुमार यादव की ओपनिंग अब फेर में फंस सकती है, क्योंकि टीम इंडिया में अब राहुल आ गए हैं और राहुल अगर ओपनिंग करेंगे तो सूर्य कुमार यादव ओपनिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा को ओपनिंग करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से सूर्य कुमार की ओपनिंग फेर में फंस जाएगी। अब किस पर दाव लगाएंगे रोहित शर्मा? अब रोहित शर्मा के लिए एक मुश्किल वजह सामने आ गई है कि वो केएल राहुल या सूर्य कुमार यादव में से किसे अपने साथ ओपनिंग कराए। अगर वो केएल राहुल के साथ ओपनिंग करते हैं तो सूर्या का क्या, जिन्हें वेस्टइंडीज दौरे पर लगातार ओपनिंग में मौके दिए गए थे, तो फिर उनको मौका देने की वजह क्या थी? क्या उन्हें बैकअप ओपनर के रूप में टीम में शामिल किया जा रहा है, या फिर सूर्य कुमार वापस मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे, जहां पर वो मिडिल ऑर्डर में ही अच्छा खेलकर प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया को जीत दिलाने में भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल में से कौन ओपनिंग करना चाहिए? रोहित शर्मा के साथ कौन सा बल्लेबाज ओपनिंग के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही न्यूज सूत्रा पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो न्यूज सूत्रा को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं, वहीं हमारे चैनल को फेसबुक पर भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।